हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। तो सभी को मेरी तरफ से न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी बज रहा है रात का एक, और शिव अभी अभी अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं है, और शिव को लगी है भूख, तो उसे घर का कुछ नहीं खाना है, उसे खाने हैं छोले भटूरे। तो फिर उसने ऑर्डर किया कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम कोई भी खाना डिलीवर करेगा, लेकिन उसमें ऑर्डर हो गया है और ट्रैक भी हो पा रहा है खाना, तो देखते हैं कब तक आएगा। और यहाँ पर खाना आ गया है और शिव जा रहा है नीचे लेने के लिए, क्योंकि ऊपर डिलीवर करने नहीं आएगा वो। तो फाइनली रात के 2 बजे ये खाना ऑर्डर किया हुआ डिलीवर हुआ है, और रात के 2 बजे शिव खाना खा रहे हैं अपना। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है सुबह का टाइम, और सबसे पहले करना है मम्मी पापा को विश न्यू ईयर का, तो मैं जाकर विश करती हूँ। और साथ में है आज पापा का बर्थडे, तो घर में है दो दो सेलिब्रेशन, तो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट करते हैं। मतलब बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि दो दो सेलिब्रेशन हो जाते हैं, एक तो न्यू ईयर का रहेगा ही और दूसरा पापा का बर्थडे भी रहता है। तो बस सुबह से उसी की तैयारियों में लग गए हैं, और अभी सबसे पहले मैं जाकर विश करती हूँ उनको। तो चलिए चलते हैं। तो मैंने मम्मी पापा को विश कर दिया है, और यहाँ पर मैं भिगो रही हूँ दाल, क्योंकि मैं रात को भिगोना भूल गई थी। पापा को दही बड़े बहुत पसंद हैं, तो दही बड़े भी बनेंगे आज खाने में। तो जो भी पापा की फेवरेट चीज़ें थी वो सारी चीज़ें बनाते हैं मम्मी, तो आज वही सब हो रहा है कि मैं दही बड़े के लिए दाल भिगो रही हूँ, क्योंकि 4 घंटे भीग जाएगी तो भी सही रहेगा, दोपहर तक बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप उड़द दाल और 1 कटोरी मूंग दाल लिया हुआ है, और मैं सबको भिगो दूंगी। और यहाँ पर हो रहा है खाने की तैयारी, क्योंकि शाम के डिनर की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो आज बनने वाला है मटर पनीर, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो मटर पनीर तो बनाने का बनता ही है, वैसे पनीर ही बनता, लेकिन बस मटर इतनी अच्छी आ रही है तो फिर मैंने सोचा मटर पनीर ही बना लेते हैं। तो यहाँ मटर पनीर की तैयारी हो रही है, और मैंने सारे मसाले वगैरह निकाल दिए हैं, टमाटर प्याज लहसुन अदरक जो भी पड़ने वाला है सारी चीज़ें निकाल दी हैं। और ये मटर भी छिलकर तैयार हो गई है यहाँ पर। तो अब जब तक मटर पनीर बन रहा है एक साइड में, तो मैं दूसरी तरफ खीर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि खीर बनने में थोड़ा टाइम जाता है। तो अभी मैं इंडक्शन पे चढ़ा रही हूँ खीर, क्योंकि इधर गैस पर सब्जियाँ वगैरह तैयार करूँगी। और ये इंडक्शन पर एक बार खीर रख दो तो आराम से बनती रहती है, फिर उसे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिम पर बनती रहती है वो। तो ये मेरी खीर भी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में, और तब तक मैं आलू गोभी बना लेती हूँ। तो ये मसाले वाला आलू गोभी बनने वाला है, तो मैंने गर्म पानी में हल्का सा वॉश कर लिया है गोभी को, और उसके बाद मैं मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ।
और यहाँ पर जब देव ने देखा मम्मा इतनी सारी चीज़ें बना रही है इतनी देर से किचन में, तो मैं भी कुछ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गए देव एक किचन में और वो बना रहे हैं पिज़्ज़ा अपने लिए, सभी के लिए, क्योंकि पिज़्ज़ा का सारा सामान रखा हुआ था पुराना, तो फिर उन्होंने ने बेस वगैरह रखा हुआ था पिज़्ज़ा बेस। तो यहाँ पर देव ने पिज़्ज़ा भी तैयार कर दिया है और देव को काफ़ी आइडिया हो गया है, तो उसने काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा बनाया था और बहुत यमी सा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है। और बर्थडे की भी सारी तैयारियाँ हो गई, केक वगैरह आ गया है। तो यहाँ पर पापा केक कट कर रहे हैं, तो सारा सेलिब्रेशन हो गया है। उसके बाद सब लोगों ने केक और पिज़्ज़ा खा लिया था और अभी डिनर का टाइम हो गया है, तो मैं सबका डिनर सर्व कर रही हूँ यहाँ पर।